हाय ऑल, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग काफ़ी, एक हमें लोकेशन चाहिए थी व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो हमको ये लोकेशन मिली है, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आज हम जा रहे हैं हनोट। तो हम अभी अपने गांव से निकले, तो कल हमारे घर में कथा थी, तो हमें मेरे को थोड़ा अपना गोप्रो वगैरह ये सब चार्ज करना। अभी हम कनासर हैं, तो यहाँ पे एक मंदिर है, जब भी हनोल जाते हैं तो इस मंदिर पर रुकना जरूरी है मतलब। तो हम यहाँ पे इधर रुकते हैं हमेशा। और ये मेरे चाचा है, पिंकी है, ये मानी है, और ये सब लोग हैं वहाँ पे। तो अभी हम कनासर हैं, ये चक्राता से कितना किलोमीटर है, 30-35 होगा चक्राता से ये। तो कनासर ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे अगर आ रहे हो तो कैंप वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको सब कुछ सबसे इंट्रोड्यूस करूँगा। और यहाँ फोटो शूट चल रहा है, ये देखो, ये कपल्स, ये चाचा चाची मेरे, ये मेरी चाची है, हाय चाची। और ये चाचा है मेरे, और ये गोल्डी है मेरी बहन, छोटी बहन। और ये अमन है, अमन से तो मिल गए होंगे आप। और ये पिंकी है, और ये कुशका है मेरे पापा, ये पापा है मेरे। और ये मम्मी है मेरी, ये मम्मी है। और ये चुटकू है युग। और अब हम करेंगे फोटो शूट, अब हमारा फोटो शूट देखना आप। हेलो बंटी, जो ना नहीं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा है। और इस पेड़ की क्या हुआ है, कहानी है पापा? पेड़ की कहानी हमें भी नहीं पता है कि जब मैं 13-14 साल का था तो इस पेड़ों की यही कंडीशन थी, और उसके बाद आज मैं 56 साल का हो गया, तो 56 साल से मैं इसको यही देख रहा हूँ। और एक यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ कनासर में। बाकी यहाँ की जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, प्राकृतिक है सब कुछ। ये जो पेड़ है देवदार के पेड़ है, ये लकड़ी बहुत महंगी मिलती है, इसका लकड़ी सोने का जैसे ये है, वैसी जैसे शीशम है ऐसे ये देवदार है। ये जो जगह है इसका नाम है कनासर, और यहाँ पे इस टाइम तो देखो टूरिस्ट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है, और यहाँ जो है टूरिस्ट स्पॉट है, ये कभी भी आ सकते हैं लोग। और जैसे आप देख सकते हैं लोकेशन कितनी अच्छी है, ऐसा भी नहीं है, चक्रोता से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30-35 के किलोमीटर के अराउंड है, वो दूर भी नहीं है, अच्छा है, जो भी कोई आना चाहता है बहुत बढ़िया है। और ये जैसे ये देख लो आप पेड़ वगैरह, देवदार के कुछ पेड़ हैं जो रिकॉर्ड है इनका, या जो इसका चौड़ाई वगैरह है, लेंथ है, वो मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मतलब बहुत पहले से हैं, पेड़ वगैरह बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। ये मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीनकालीन मंदिर है ये। बाकी ये एरिया जो फॉरेस्ट के उसमें आता है इनका ऊपर शायद रिजॉर्ट भी है, शायद ये रेस्टोरेंट टाइप, या ये पीछे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, यहाँ अगर रुकना चाहते हैं कोई तो रुक भी सकते हैं। ये बस थैंक यू, आना चाहता है तो बहुत अच्छी लोकेशन है। और ये हम अंदर देखो कैसे बैठे हैं, घुस घुस के गंद तरीके से एकदम घुस के बैठे, देखो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपना सामान। और ये आगे मम्मी लोग और बैठे हैं, मम्मी, पिंकी, चाची, चाचा, और ये गोल्डी डैड एकदम, और ये आगे पापा और अमन भाई। और अभी हम रुके हैं खाना खाने, कौन सा जगह है, सावड़ा है ना भाई, और हम सावड़ा में सोच रहे हैं कुछ यहाँ पे खाएंगे। क्या खाएगा मानी? मोमोज खाने का प्लान है। क्या खाना है तेरे को? मेरा अच्छा आइडिया से वो फोन पे भी हो सकता है। और ये खाना हम खा रही लगा, दाल चावल खा रहे हैं हम। और हम यहाँ पे राणा भोजनालय गए हैं। ओ भाई भाई कैसा लग रहा बंटी पूरा अम्मा ये मजा आ रहा है ना, कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया एकदम, आपको बहुत अच्छा, सादा खाना था, बढ़िया था, मजा आ गया, स्पाइसी नहीं था। कैसा लगा खाना? बहुत मस्त खाना था यहाँ पे राणा भोजनालय, एकदम घर का खाना लगा, मजा आ गया। मानी और मैंने तो बहुत खाया। मानी ने कितना खाया बताओ, कैसा लगा खाना? मस्त, बढ़िया,
A few moments later. A few moments ago. Yeah. मजा आ रहा है ना? और ये हम हनोल पहुंच गए हैं, जय मासू महाराज। और ये है यहाँ पे एंट्रेंस। और सुबह से चले हुए हम, कितने बजे? 11 बजे निकले हैं। देखो हालत बहुत बुरी है। और अब तो यहाँ पे बहुत 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 फैसिलिटीज़ हो गई हैं हनोल में। पहले तो हम आते थे तो उतना यहाँ पे सोने वगैरह मंदिर में सोया करते थे, और कभी कभी तो बाहर भी सोए हैं यहाँ पे। तो अब सराय में देखते हैं कितनी जगह होगी यहाँ पे ना। वो बना कॉटेज नहीं बोलेंगे उसको, सराय टाइप की बना के रखी है। वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के एकदम अलग अलग है, तो वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया है, मस्त। आपको 10-10 रुपए में शायद कंबल वगैरह मिल जाते हैं, और ऊपर यहाँ पे खाने के लिए भी है, भंडारा चलता रहता है मस्त एकदम। तो आपको कराते हैं दर्शन हनोल के। और ये हम हनोल पहुँच चुके हैं। हनोल, और तो यार हनोल मतलब काफ़ी पुराना टेम्पल है ये, बहुत टाइम से इसको लोग मान रहे हैं। तो ये जो हमारे कुल देवता है मासू महाराज, और हम शादी के बाद यहाँ पे आए नहीं थे, तो सोचा कि आ जाते हैं। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं आपको और अभी हमारा पत्थर उठाने का कॉम्पिटिशन हुआ। ये पत्थर नहीं है, ये बोलते हैं मासू महाराज जो है हमारे, उनके सिक्के, वो कंचे थे इनके, तो वो उठा रहे थे हम अभी। तो बंटी जो है इसका विनर है, और बंटी दो बार उस पत्थर को उठाया, बड़े वाले पत्थर को, और चाचा ने और मैंने, सॉरी तोलीन पत्थर तो मतलब हल्का होता है। हाँ, सिक्का ये महाराज ये कंचे आए हैं। सबसे बड़ी बात ये भगवान जी का हुआ है। इसको अगर ऐसे कोई देखेगा ना कि नहीं उठा लेंगे हम कोई भी। ये अब यहाँ पे शाम हो गई, अब हम यहाँ पे रूम्स का पता कर रहे हैं स्टे करने के लिए। हाय ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हमारा डे 2 है हनोल में,
तो हम यहाँ पे सर आए, वहाँ पे सोए थे। तो कैसी नींद आई ज़्यादा? बहुत बढ़िया, थक गए थे बहुत ज़्यादा मगर नींद तो काफ़ी अच्छी आई। अमन तो सुबह 5 बजे उठ गया था, मानी को बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ा। चुटकू तो भाई चुटकू अभी तक सो ही रहा है जादू। तो अब हमारा प्लान है, हम ठडियार जा रहे हैं, यहाँ पे जो चालदा महाराज है उनका टेंपल है इधर। बाकी जो यहाँ की जो स्टोरी है, जो भी जो कुछ है, हम आपको रास्ते में बताते रहेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे ब्लॉग में बने रहे। और मैं आपको यहाँ का जो सराय वगैरह है उसके पूरे शॉर्ट्स में आपको दिखा दूँगा। पानी की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, वॉशरूम वगैरह सब मस्त बना के रखे हैं बढ़िया। और एक में टैब में यहाँ पे सोलर लगे हैं, एक में गर्म आता है एक में ठंडा। पकड़ना मैंने, एक में मुँह धो रहा है। हाय ऑल, तो अभी मैंने मुँह हाथ धो लिया है, मैंने आपको दिख वॉशरूम जो यहाँ पे बहुत सही बना के रखा, वहाँ टैब है, एक में गर्म पानी आता है और एक में ठंडा पानी आता है। बहुत सही लगा मेरे को तो यहाँ पे साफ किताब एकदम चेंज हो गया। पहले हम जब यहाँ पे आया करते थे इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होगी। और ये देखो यहाँ का व्यू कितना सही है, मतलब ऐसे जगह पे बसे हैं ना हमारे महाराज की बस। क्या पूरा जो गाँव है, ये पूरा गाँव हनोल है। पापा और तो मंदिर में ही सोए थे, कैसा लगा पापा मंदिर में? नींद कैसी आई? बहुत बढ़िया नींद आई। मम्मी कैसी नींद आई आपको मंदिर में? इधर देख के बोलो ना, कैसी नींद आई? अच्छी नींद आई। वाह, चंदे जा रहे हैं अभी तो प्रसाद वरसाद ले लेते हैं यहाँ से। और अभी हमने प्रसाद वरसाद ले लिया है ये गुल्डी के हाथ में। गुल्डी कैसी नींद आई इधर को? बहुत बढ़िया। तब हम जा रहे हैं मंदिर, दर्शन करके आते हैं फटाफट। एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, तेरी एक झलक में जान लिया मैंने मुझे। तो अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं चालदा महाराज जी का जो टेंपल है, हाँ रास्ता स्टार्ट होता है। तो अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हमने हमारी गाड़ी ना आगे जाने रहा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है जब बरसात के टाइम पे, क्योंकि बारिश यहाँ काफी दिन से हो रही है कंटिन्यू। तो हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी, मम्मी और गोल्डी नहीं आ रहे, वो यहीं पे वेट कर रहे हैं हमारा। और देखो भाई बहन का प्यार, ला 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 हमारा प्यार देखो गाइस, देख पिंकी हमको देख, कि देख प्रियंका देख, गजब बेइज्जती है, थोड़ा मैं देखना होता, हम भी देख रहे थे। तो अभी हमको यहाँ से जाना है, इधर से जाना है, इधर से यहाँ पे पुल है और यहाँ से घूम के इधर से इधर से इधर से सीधा हम जाएंगे ऊपर।
तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे ठडियार मंदिर, लालदा महाराज जी का मंदिर। और यहाँ पे हमें सबसे बेस्ट चीज हमें पता है क्या हुई, हमंत अभी दर्शन करने गए अंदर और उन्होंने बोला कि आप बाहर रुको, जो पालकी है महाराज जी की वो बाहर ही लेकर आ रहे हैं। मतलब आज हमारे दर्शन एकदम मतलब प्योर जो दर्शन होते ना वो प्योर दर्शन आज होंगे हमारे। और चाचा भी यहाँ पे बैठे हैं। चाचा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बढ़िया। कैसा लगा आपको सुन के जब उन्होंने बोला कि हम बाहर ही आ रहे हैं? लेके ऐसे तो हम दर्शन कर रहे हैं अंदर चले गए थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि महाराज जी बाहर ही आ रहे हैं, वेट करेंगे फिर दोबारा से दर्शन करेंगे, जो काफी प्योर दर्शन होंगे। और ये कुटुंब परिवार हमारा। युग आपने क्या विश मांगी थी बताना, आओ युग क्या विश मांगी थी आपने, फटाफट बोल दो। अभी हमारे जितने भी गोप्रो फोन कैमरा गोप्रो वगैरह सब ऑफ हो गए हैं। अब आपू नठे हैं, शूट कर रहे हैं फोन से कर रहे हैं। सीन ये है कि हमने दर्शन कर लिया और आज के जो दर्शन हुए ना हमारे, मतलब वो एकदम अलग और हमारे जो यात्रा पूरी सफल हुई, जो ओवरऑल ट्रिप था काफी सही रहा हमारा, बहुत ही मस्त रहा। विद फैमिली हम ट्रिप के गए। तो ये हमारा हनोल का ब्लॉग, जो ये जगह है बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है। अभी तक वो चीज यहाँ पे वो एनर्जी और वो पावर आप फील कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक डू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइस बाय बाय।